उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ प्रवास के दौरान सुबह 6 बजे ही अपने परिचितों से मिलने और सरकार की योजनाओं को जानने के लिए पैदल ही घूमने निकले। इस दौरान उन्होंने सड़क के किनारे चाय के ठेले पर चाय की चुस्की ली और पुरानी यादें ताजा करते हुए मुख्यमंत्री बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट नजर आए। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों से नमस्कार करते हुए दिखे। इस दौरान सभी के मुंह से आशीर्वाद और प्यार झलकता दिखाई दिया। वहीं सुबह 10 बजे सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मॉर्निंग वॉक के दौरान दिए गए इनपुट के आधार पर अधिकारियों को तुरंत समाधान के आदेश दिए। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। और आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री एक आम नागरिक की तरह अपनी सरकार की योजनाओं को जानने के लिए सुबह सुबह 6 बजे निकले और वो चाहे वो किसी टपरी पर चाय पी और साथ ही साथ दुकानदारों से भी उन्होंने लोगों से बातचीत की और जाना कि सरकार की योजनाओं का लाभ क्या उन्हें मिल रहा है। उसके बाद उल्का माँ के मंदिर भी पहुंचे और माँ का आशीर्वाद लिया और जिस दौरान वो रास्ते से गुजर रहे थे वह स्वयं खुद शालीनता से लोगों को नमस्कार करते हुए दिखे। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या कोई सीएम इस तरह से बिना किसी सिक्योरिटी के सुबह सुबह किसी रोड के किनारे लगे चाय के ठेले पर जाकर चाय पी सकता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री धामी ही है, लेकिन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं एक आम आदमी की दुकान पर जाकर उन्होंने चाय की चुस्की ली।